मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में राज पाएगा रोड पर माधव डिस्पेंसरी अस्पताल में सामने डिवाइडर पर खुले में तार छू रहे हैं। माधव डिस्पेंसरी के आसपास कई मेडिकल स्टोर और नर्सिंग होम स्थित है, जहां पर रोजाना कई संख्या में मरीजों का पहुंचना लगा रहता है। रोड पार करने के लिए मरीजों और परिजनों को डिवाइडर से होकर गुजरना पड़ता है। इस तरीके से बिजली के तार से कभी भी किसी भी दुर्घटना या फिर हादसे होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं, जिससे मना नहीं किया जा सकता है। इस रोड से जिला प्रशासन के कई आला अधिकारी होकर गुजरते हैं, पर इस समस्या की ओर अभी तक किसी भी अधिकारी का ध्यान नहीं गया। क्षेत्र के दुकानदारों का कहना है कि कई दिनों से यह तार डिवाइडर पर झूल रहे हैं, पर अभी तक बिजली विभाग ने तार हटाने की सूद नहीं ली है। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए ग्वालियर से सागर शर्मा की रिपोर्ट।